ইতিমধ্যে অপারেশন গঙ্গার আওতায় ইন্ডিগোর বিশেষ বিমানে দিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন 219 জন ভারতীয়। তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বিমানবন্দরে। তাদের স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীত প্রামাণিক। हम लोगों का जो स्टूडेंट्स है, भारत का स्टूडेंट्स है, वो भी कितना धैर्य और संयम वहाँ पर रखा, इसलिए भी मैंने उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। लेकिन वो लोग भी कि भारत ने इतना जल्दी वहाँ से स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर रहा है और सेफली यहाँ पर मतलब अपना वतन पे वापसी करा रहा है, इसलिए वो लोग भी बहुत ही खुशी था। और हर एक का मुँह से वंदे मातरम और भारत माता की नारा लगा। जब तक हर एक भारतीय नागरिक और यूक्रेन में फंसे हुए, वहाँ का विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए स्टूडेंट हो या नागरिक हो, उनको हम लोग सुरक्षित वापस नहीं लाते हैं। ऑपरेशन गंगा जो है ये चलता रहेगा।